Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to a new vlog. अभी इसको vlog कहूँ क्या? ये actually proper vlog तो इसको नहीं कह सकते. पूरे दिन की activity हम लोग अभी कुछ नहीं दिखाने वाले हैं. पिछले vlog में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जैसे तैसे सौरभ पहुँचा. मतलब आ तो जाता सौरभ, but अभी नहीं आ. मतलब इतनी बड़ी बला टल गई, ये बड़ी बात है. हाँ, हमारा टिकट का मैं सोच रहा था, हमारा टिकट का पैसा बच गया. एयरपोर्ट पे पहुंच के मैं सोच रहा था यार मैं अब जा पाऊंगा कि नहीं. सीरियसली, हाँ, वापस जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था मेरा. और इतने मतलब इतने शॉर्ट टाइम में ऐसा मतलब नहीं होता वो. मैं तो मतलब हे भगवान ऐसा कर रही थी, फिर भगवान ने मेरी सुनी. हाँ. ट्रेन के साथ साथ प्लेन को भी लेट कर दिया. हो गया. और गाइस, पिछली बार जब सौरभ गया था ना इंडिया, उस बार मैंने एक चीज़ मिस कर दी. इंडिया से जो जो सौरभ लेके आया था, मैंने प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया. हाँ, फिर मुझे फील हुआ, अरे मेरी मम्मी ने मेरे लिए बिरयानी बना के भेजा था, घी भेजा था, फिर बच्चे के लिए कुछ चीज़ें भेजी थी. तो उस बार तो मैंने मिस कर दी, पर इस बार मिस नहीं करना. इस बार हम दिखाएंगे कि इंडिया से क्या क्या आया है. अभी हम दोनों बैठ गए और कल तक मेरी जान निकल रही थी. कल मैं सोच रही थी, अभी तो मतलब आज पूरा दिन हम लोग कितने ढेर सारी बातें किए. एक्चुअली मैं जा नहीं पाई ना इंडिया, बहुत चीजें मैंने मिस कर दी. ऑनलाइन हाँ. तो सब कुछ होता नहीं है. हाँ, और पता है बेंगली में बोलते हैं ना, दुदेशक भोले बेटा लो, काइंड ऑफ वैसा हुआ इस बार मेरे साथ. सबसे पहले मैं दिखाती हूँ बहुत ही स्पेशल सी चीज, मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से बनाया है. काथा तो वैसे तीन बना के उन्होंने भेजा है, ऐसा ये दो और ये देखने में शायद आप लोगों को उतना ग्लैमरस नहीं लग रहा होगा, पर एक्चुअली बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है. लाइक प्योर सूती का सॉफ्ट, जो सूती का साड़ी होता है ना, सूती का साड़ी जो पहनने के बाद थोड़ा नरम हो जाए, उसके बाद उससे ये बनाते हैं. तो ये काथा, मेरी मम्मी ने भी काथा भेजा था, पर मेरी मम्मी ने काथा बनाया नहीं. एक्चुअली मेरा भाई और मैंने बचपन में जो यूज किया था वो वाला था. तो पिछली बार जब सौरभ गया था, वो साड़ी वाली जब लेके आया था, तब मेरे मम्मी ने हाथों से बिरयानी बना के भेजा था, वो भी मैंने शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं. तो इस बार मैं मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो जरूर दिखाएंगे. हाँ. और आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप भी बाहर रहते हो और अगर आपके पास स्कोप है कि इंडिया से कुछ हम लोग खरीद के लेके आ सकते हैं, तो मतलब ये चीजें आप वहां से ला सकते हो जो हमने शॉपिंग की है. ये तो मतलब भेजने वाला पार्ट है अभी शॉपिंग. ये कॉटन का कपड़ा है, बच्चे के काम में आएगा. और ये पता है क्या है, वो जो साइड पिलो होता है ना, वो यहाँ पे मिलता नहीं है. हमने कहीं पे भी नहीं देखा. तो पूरा साइड पिलो कहाँ से लेके आए? तो उसको बनाने के लिए उसका जो बेस चाहिए होता है ना, वो तो इसके अंदर रुई भर लेंगे तो एक साइड पिलो बन जाएगा. उसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे. कवर ऑलरेडी है मेरे पास. ये क्या है? और मैंने अमेज़न से कुछ ड्रेस खरीदा है. ये सब मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ. और एक ड्रेस है, ये पीला वाला निकालो नीचे से. ये हाँ, ये भी एक ड्रेस है. तो ये ऑरेंज है, पीला है, ऑरेंज है, कुछ भी. आजकल मुझे जो पीला लगता है वो सौरभ को ऑरेंज लगता है. तो ये एक ड्रेस है, ये एक ड्रेस है, कुर्ती ड्रेस कुछ भी कह लीजिए. ये एक है और ये एक है, और ये एक है. एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ऐसा नहीं देखा. ये चारों के चारों कॉटन के हैं और बच्चा होने के बाद ये मुझे बहुत काम में आने वाला है. अगर आपको ऐसे कुर्ती के बारे में नहीं पता, ये जो कुर्ती है ना, देखिए ये साइड में जो है कट नहीं है इसका, फ्रॉक जैसा है. तो आप चाहे तो इसके नीचे लेगिंग ना पहनो और इसको एक ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो. आप चाहो तो कुर्ती की तरह भी पहन सकते हो. आप चाहो तो इसको चूड़ीदार भी बना सकते हो, सलवार और दुपट्टा डाल लो. लेकिन सबसे अच्छी बात जो इसमें है, ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम प्लेन है ना. लेकिन यहाँ पे ना ये चेन है, यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाता है. ये क्या, फीडिंग कराने के लिए? फीडिंग कराने के लिए. तो ये पूरे चारों के चारों ड्रेस में ऐसा है. सिर्फ एक ड्रेस में सामने बटन है और बाकी तीनों में है ऐसा. तो ये सिस्टम ना मुझे बहुत अच्छा लगा. ये तो मैंने दुबई में भी नहीं देखा कहीं पे भी,
और ये एकदम कॉटन का है ना और सस्ता भी है, अमेजोन में काफी अच्छे ऐसे अमेजोन पे ना ऑनलाइन पे भरोसा करना मुश्किल होता है, कॉटन लीक के कुछ और रहता है उसके अंदर। आई डोंट नो, आधे से ज्यादा लोगों को तो इंडिया में पता ही नहीं है कॉटन क्या होता है। मैं ना इस वीडियो में ये जो ब्रांड मैंने खरीदा है उसका लिंक दे दूंगी, आपको शायद ये पीस नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो मैंने खरीद लिया, लेकिन उनके पास जो दूसरा अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। तो क्योंकि हर ब्रांड के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला अगर आपको चाहिए, क्योंकि साड़ी के साड़ी एक ही ब्रांड से मैंने खरीदा है, मुझे रिव्यू पढ़ के भी समझ में आ गया था कि ये जेन्युइन है, और सच में कपड़े का क्वालिटी देखो, देख रहा हूँ हाँ बहुत अच्छा है, समझ आ रहा है। ये एक्चुअली एक टेबल रनर लिया है मैंने, वो डाइनिंग टेबल बोहो स्टाइल में लिया है, मुझे एक्चुअली बोहो स्टाइल की चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो इसके ऐसे साइड में डिजाइन है बस, और बीच में प्लेन है, तो बीच में प्लेन है तो कोई बात नहीं, बीच में तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, थोड़ा साइड में डिजाइन होता है तो अच्छा लगता है। ये इसमें ना बहुत अच्छा एक स्मेल है, नेचुरल फाइबर का जो स्मेल होता है, तो इसको हो सकता है कि हमारे कॉरिडोर में एक रखा है ना उसके ऊपर भी बिछा सकते हैं, अच्छा लगेगा, या फिर डाइनिंग टेबल, देखते हैं इसके साथ क्या करते हैं, या फिर इसको एक्चुअली दीवार पे भी टंगा सकते हैं, बीच में कुछ और डेकोरेशन करके वॉल हैंगिंग बन जाएगा इससे। और ये क्या बेडशीट है क्या? नहीं ये टेबल क्लॉथ है, ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना वो ग्लास का है, तो जब भी मैं उसके ऊपर कुछ रख के शूटिंग करने की कोशिश करती हूँ ना तो कैसा उसका रिफ्लेक्शन आता है, अच्छा नहीं आता, तो मुझे तो टेबल क्लॉथ वगैरह नहीं यूज करना, इसीलिए मैंने ग्लास का लिया था टेबल, ताकि उसको बस खाओ कुछ गिरे क्लीन तो करने में भी इजी आता है, पोंछ दो हो जाता है, लेकिन ये लिया मैंने फोटोशूट वगैरह के लिए, और ये पैटर्न भी अच्छा है ना, ये है कुशन, कलर वगैरह अच्छा है बट मेटेरियल मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा, ये मैंने दिवाली के लिए लिया था, बहुत घटिया है ये एक्चुअली, पता है जो फोटो में जो दिख रहा था ना वो काफी अच्छा दिख रहा था, तो जो फोटो में था वही है, प्रिंट भी वही है, पर आप सामने से देख के आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। नहीं आप पसंद आए, ये पसंद नहीं है, नहीं इसको बोल रही हूँ मैं, ये उतना अच्छा नहीं लगा, इसका कलर काफी अच्छा था, ये वाला ऐसा कुशन कवर ले लिया है, तो ये ऐसा पांच के सेट में आया है, ये और एक है, ये और एक है, और इतने ये जो चार है ना ये मुझे कुछ ज्यादा ही तड़कीला भड़कीला लग रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका कलर थोड़ा सा सोबर है, सोबर है, बहुत अच्छा लगा ये मुझे, तो ऐसा ही अगर हर एक होता तो हो जाता, ये इसकी जरूरत नहीं, फिर भी मुझे मटेरियल क्वालिटी, मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, अब मेरे साथ पता नहीं है अमेज़न के साथ क्या है, मतलब कुशन कवर कभी मुझे अच्छा नहीं मिलता, लास्ट टाइम भी बहुत ही घटिया कुशन कवर मिला था अमेज़न से, इस बार भी, और ये टेबल रनर है ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, तो ये थोड़ा वो कुशन के साथ मैच करके लिया था, मतलब उसमें भी ये कलर है ना ऐसा देखिए, तो मतलब ऐसा कुशन इधर रहेगा, टेबल के ऊपर ये रहेगा दिवाली के टाइम, तो अच्छा लगेगा, कलरफुल दिखेगा। और इस बार दिवाली शॉपिंग वगैरह मैं कैसे करूंगी, नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट हूँ, और पहले से ही कर लिया। ये चार कॉटन के 90s, अब मैक्सी भी बोल सकते हो, ये मम्मी पापा ने मेरे लिए भेजा है, और इसको ना मैंने पापा से कहा था कि मुझे ना ये मतलब कटिंग करके छोटा करके चाहिए, तो इसका लेंथ जो है वो कटिंग करके छोटा करवा के फिर भेजा है, क्योंकि इंडिया में जो कॉटन की 90s होती है वो एकदम एंकल तक होता है ना, तो अब प्रेगनेंसी के बाद मुझे बच्चे को मतलब फीडिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, तो मैंने ये सामने का बटन वाला लिया है, घर में मैं यही पहनने वाली हूँ, और ये काफी कंफर्टेबल रहता है, और इसका डिजाइन मतलब थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बस क्वालिटी देख के लिया है, एक्चुअली इसको खरीदने के लिए मेरे पापा गए थे, तो पापा को क्वालिटी अच्छा लगा तो ले लिया, डिजाइन वगैरह लड़के थोड़ी ना उतना सोचते हैं
पर उतना भी बुरा नहीं है, देखो ये वाला ठीक है घर में पहनने के लिए, और क्या चाहिए। ये पिंक वाला काफी खूबसूरत है, ये वाला बहुत खूबसूरत। और इसी का सेम येलो वाला, इसी का सेम एक येलो वाला है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ ये दो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, पर क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। ये देखिए ऐसा, ये इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये तो काइंड ऑफ सेम है। मैंने क्या करवाया कि इसकी, इसको नीचे से थोड़ा सा कट करवाया ताकि एंकल लेंथ से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए या घुटने तक आ जाए। तो घुटने तक मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा नीचे तक रखा ताकि मतलब मैं गिर विर ना जाऊँ। हाँ। पैरों तक आ जाता है ना, तो हो सकता है कि पैरों में थोड़ा सा ऐसा, वैसे भी पेट ऐसे बाहर आएगा ना, तो थोड़ा ऊंचा तो हो ही जाना है नीचे से। नहीं मतलब अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रेगनेंसी में नहीं करना, प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन आफ्टर डिलीवरी भी आपका जो पेट है वो कम नहीं होता, वो मतलब कुछ महीनों तक रहता है, वो कम से कम 5-6 महीने में जैसा हो जाता है ना पेट, उतना तो रहता है, कम नहीं होता। और फिर ये कॉटन की बेडशीट भेजा है मम्मी पापा ने, मैं उतना खोल नहीं रही हूँ, जब मैं बिछाऊंगी बिस्तर पे तब आप लोग देखना। ये एक है तो ये बहुत अच्छा है, पता है ये बहुत अच्छा है, ये वाला। और ये भी, ये देखिए व्हाइट में है, ये भी कॉटन का बेडशीट है, इसको मैं और नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन ये सेट में है, मतलब इसके साथ पिलो कवर वगैरह है। लोग सोच रहे होंगे हम लोगों ने कहा था बच्चे के लिए शॉपिंग किया है, कहाँ है बच्चे के लिए, सब तो अपने लिए दिखा रहे हैं। और ये है बढ़िया, मतलब ग्लूकोज डी नहीं है इसके अंदर है, ये देखिए ये बढ़िया, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी ने ये भेजा है, घी भेजा है कोलकाता से। ये कोलकाता वाला जो घी होता है ना, इसका महक ही अलग होता है, इससे अगर बिरयानी बन जाए मतलब बिरयानी। वो कोलकाता के लोगों के लिए है। हाँ तो मैं तो कोलकाता की हूँ ना, दूसरे लोगों के बारे में कि मैं क्यों बताऊँ। ये मतलब मैं तो सिर्फ राइस के साथ ये भी खा सकती हूँ, थोड़ा सा ये लेके इसकी खुशबू अलग होती है। नहीं एक्चुअली गाइस, वो भी घी है जो डब्बे में घी मिलता है ना अमूल वाला, उसमें तो एक खुशबू वाला आता है, एक बिना खुशबू वाला आता है, इसका खुशबू अलग ही है, इसका अलग ही खुशबू है। हाँ तो ये दुकान वाला है, दुकान से खरीदा हुआ, पर ये ना वो जो पैकेजिंग में आता है वैसा नहीं है। ये हमारे कोलकाता में कुछ कुछ दुकान होता है घी का, जो वो लोग वहाँ पे बनाते हैं और फिर तौल के देते हैं, आपको कितना चाहिए ऐसा डब्बे में भर के देते हैं। मुझे लगता है ना जब घी बनाते हैं ना दूसरे स्टेट्स में, तो वो नॉर्मल व्हाइट कलर का एक काइंड ऑफ बन जाता है, ये कैरमलाइज्ड है, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही उसको जलाते हैं ताकि हल्का सा कैरमलाइज्ड हो जाए। हाँ ये मेरी मम्मी ने घर पे बनाया है घी, ये देखो थोड़ा व्हाइट है, दोनों का खुशबू पूरा अलग, इसका भी अलग इसका भी अलग, मैच नहीं है। घर में जो बनता है ना वो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता, पर सेहत के लिए अच्छा होता है। ये हमने एक मंगवाया है, यहाँ पे भी मिलता है ऑब्वियसली, यहाँ पे महंगा मिलता है, इंडिया में बहुत सस्ता है, तो मैंने कहा कि हो जाएगा बैग में आ जाएगा, ये वाला लेके आना एक सब। एक्चुअली हम लोगों ने ये एक्चुअली हम लोगों ने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था। ये है बच्चे का जो दूध का बोतल आता है ना उसको क्लीन करने के लिए, एक्चुअली नॉर्मल जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं वो कुछ ज्यादा ही केमिकल होता है उसमें, तो ये थोड़ा सा माइल्ड है बच्चे के लिए। अब बच्चा है तो रिस्क नहीं ले सकते, जो मिलता है सब यूज करके देखते हैं कैसा है। ये मैं और नहीं निकाल रही हूँ, ये है स्टेरिलाइजर, बोतल स्टेरिलाइजर फिलिप्स का। ये तो राम भरोसे लिया है, पता नहीं चलता है कि नहीं। हाँ अभी हम लोगों ने इसको तो चेक नहीं किया ना घर लाने के बाद एक बार भी। ये इंडिया में 4000 का भी नहीं है इंडियन करेंसी में, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है करीब करीब 10-12 हजार तक लग रहा है इंडिया का, ये सेम ब्रांड। और इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसका एक्चुअली हम लोगों ने पैकेट फेंक दिया था, मतलब सौरभ ने फेंक दिया था, मैंने बोला था कि इसका पैकेट फेंक के फिर लेके आना, ये दूध का बोतल है ये वाला फिलिप्स का ही। तो फिलिप्स का ये जो मॉडल आता है ना ये नेचुरल वाला है, मतलब बच्चे को लगेगा कि बोतल नहीं लगे उसको मम्मी का लगेगा, तो वैसा वाला है, वैसा फील आएगा। तो पता नहीं हमारी मम्मियों ने तो मतलब ऐसा बोतल नहीं यूज किया तो तो वजन का भी कुछ कुछ बात था, नहीं तो हम लोग और बच्चे के लिए ढेर सारा शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन अकेला सौरभ कितना लेके आएगा।
देखिए कबूतर दुबई में भी मिल जाता है, सस्ते में भी मिल जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यही फिलिप्स एवेंट की चीज आप लेने जाओ आपको दिख जाएगा, वो तो अमेजोन में भी मिल जाता है यहाँ पे, और फिर बेबी शॉप में भी मिलता है। हाँ। बेबी शॉप में भी मिलता है, और फिर जो दूसरे ब्रांड भी है ना जहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह मिलता है, फिर उनका पेरेंट बुलेटिन मिलता है वहाँ पे, ये मिल जाता है, ये वाला ब्रांड में देखा है। हम लोगों ने यहाँ पे भी प्राइसेस देखे हैं, काफी महंगे हैं यार। हाँ, लेकिन सब एक्चुअली हमें और भी बहुत कुछ लेना था पर ले नहीं पाए। ये बैग भर के बेबी का सामान है। हाँ, ये जो सौरभ का हैंड लगेज था ना, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब उठा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मतलब बेबी का सामान है और थोड़ा सा मेरा भी है, मतलब डिलीवरी के बाद मुझे वो सब चाहिए होगा। ये देखिए, ये है पिलो बच्चे के लिए, सरसों वाला है ना। हाँ, सरसों वाला, इसमें सरसों भरा हुआ है। इसमें ये भी सरसों है? इसमें भी सरसों है। तो दो डिजाइन का लिया है, एक ये मैंने ना एक ग्रीन कलर का सिलेक्ट किया था, पता नहीं कि उन लोगों ने पिंक भेज दिया पर ये अच्छा लग रहा है। बच्चियों का पैकेट तो फेंकना पड़ा हमें, तो इसका अभी पैकेट नहीं है, बस ऐसे ही पोटली में, ये पोटली इसके साथ ही आया था है ना, तो पोटली में भर के लेके आए हैं। ये मैं दिखा देती हूँ क्या है। ये है एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप, ये मैनुअल वाला है तो, और ये लव लैप कंपनी का है, वही लव लैप कंपनी का। और ये मैं बाकी अटैचमेंट कुछ नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ इसको निकाल रही हूँ, ये वाला, ये देखिए। तो मुझे हाथ से प्रेस करना पड़ेगा इसको, प्रेस नहीं करना। हाँ, वही ऑटोमेटिक प्रेस, ऑटोमेटिक है काइंड ऑफ, इसको ये मशीन से चलेगा, इससे इसके साथ कनेक्ट कर दो तो जो पंप करने का काम हाथ से करती थी वो अब इससे हो जाएगा। वही सेम लव लैप कंपनी है। हाँ, तो एक्चुअली गाइस ब्रेस्ट पंप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी क्या होता है एयरपोर्ट में ना, मैं से वो सिक्योरिटी वाला, हाँ भैया तुम्हारे बैग में क्या है, निकालो, ये क्या है मशीन फिर मैं दिखा ये क्या है, ये क्या है उसके लिए तो और हैंड लगेज में था। हाँ, हैंड लगेज में था ना, उसके तो जिंदगी में पहली बार ये देख रहा था मैं, बोला ये ब्रेस्ट पंप है, ये क्या काम आता है, बोला ये ब्रेस्ट पंप मतलब दूध वगैरह निकालने के लिए। अभी मुझे भी शर्म आ रही थी, क्या बोलूं उसके सामने मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं है ये सब चीजें। नहीं, ब्रेस्ट पंप सबको नहीं पता। तो गाइस ब्रेस्ट पंप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो ये सब लेने के लिए मतलब सोच लो पहले से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा लैच नहीं कर पाता, और कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि आप बच्चे को नहीं पिला सकती डायरेक्ट निपल से, क्योंकि बहुत दर्द होता है। तो अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज करोगे ना तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अपना ही दूध बच्चे को बोतल से पिला सकते हो। और मैंने ये डिस्पोजेबल पैंटीज लिया है, क्योंकि आपको पता ही होगा डिलीवरी के बाद तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उस समय अगर मैं नॉर्मल पैंटीज यूज करूँगी फिर उसको धोने का एक झमेला, मैं खुद फिट नहीं रहूँगी, वो सब कौन करेगा, तो बस इसको यूज करो और फेंको। अभी और ज्यादा कुछ बचा नहीं है बस। हाँ, ये भर भर के थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, सुना है किसी किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये भी मैटरनिटी पैड है, सेम। हाँ, सेम चीज है, पर मैंने दो ब्रांड का लिया है, चार पांच पैकेट कोडेंगे, चार पांच पैकेट खरीद लिया है, कि पूरा बैग तो उसी से भर गया, मुझे पता नहीं। और ये बेबी का ये मैं दिखा देता, सब कुछ तुम दिखाओगे क्या? हाँ जी, मेरा बेबी बच्चे का पहला जो नैपी है वो इंडिया से लेके आए हैं अभी जो नैपी देख के मेरे को क्यूटनेस आ रहा है बच्चे का फोटो है ना इसके ऊपर। हाँ। तो हमारा बच्चा जो पहला डायपर पहनने वाला है वो हगीज का होगा और वो इंडिया का है, मेड इन इंडिया। तो ये मैंने मेटर्निटी जो पैड आता है वो लिया है, नॉर्मल पीरियड में हम लोग जो पैड्स यूज करते हैं ना गाइस उससे नहीं होता, इस वक्त ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा ही होता है तो ऐसा चाहिए होता है। तो मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड अच्छा है, इसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन फिर भी मैंने दूसरा बैकअप भी लिया, दूसरा ब्रांड। अभी तो हम लोगों को धीरे धीरे हॉस्पिटल बैग भी वो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी से हॉस्पिटल बैग के लिए सब कुछ मतलब जो जो लिया है, और अभी बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करना बाकी है हमारा, वो एक बार हो जाए तो फिर हम लोग हॉस्पिटल बैग भी सेट कर लेंगे। सो गाइस ये था हमारा छोटा सा
ब्लॉग नहीं, ये था हमारा छोटा सा वीडियो कि इंडिया से हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। और इस वीडियो में काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दिया है, जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो आप लोग जान लोगे ये वीडियो देख के। हाँ, हो सकता है आपने कभी ऐसा डिस्पोजेबल पैंटीज के बारे में या फिर जो मैटरनिटी पैड्स है उसके बारे में नहीं सुना हो, या फिर ब्रेस्ट पंप के बारे में। हाँ, और तो ये ब्रांड क्या बोलते हैं, इसकी मेरे मुंह से नहीं निकल रहा यार, ये बोतल स्टेरिलाइजर। हाँ, बोतल स्टेरिलाइजर के बारे में सुना ना हो तो आप लोग ये सब सारी चीजें। हाँ, बच्चा आने से पहले बोतल तो पानी में भी स्टेरिलाइज हो जाता है, लेकिन आप सोचो एक छोटा बच्चा हो घर में और आप अकेली हो, कोई ना हो आपके साथ, तो आप बॉटल वहाँ पे डाल दिया, फिर आप चले गए, भूल गए, जल वल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बोतल डालो भूल जाओ, बटन दबाओ भूल जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्टेरिलाइज होके वहीं पे रह जाएगा इसके अंदर, तो आसानी है ना। अगर आपको सब कुछ अकेला संभालना है सब कुछ, तो फिर ये सारी छोटी छोटी चीजें से बहुत हेल्प हो जाता है, टाइम भी बचता है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए मल्टीपल बोटल्स रखेंगे और सबको एक साथ स्टेरिलाइज करेंगे। हाँ। और फिर एक एक करके यूज करते रहेंगे, फिर वापस मतलब हमेशा रेडी में एक हाथ में रहेगा। हाँ, हमेशा हाथ में एक रहेगा ऐसा। और अगर ये डिस्पोजेबल पैंटीज और इसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको पता चल गया, और ये वाला ब्रांड भी आप देख लीजिए, न्यू मॉम, मैंने सुना ये काफ़ी अच्छा है। अभी मैं भी न्यू मॉम बनने वाली हूँ तो मैं यूज़ करके बताऊँगी कि कैसा है तब। और ये वाला ब्रांड भी आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। वैसे गाइस ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट हमारे यूज के लिए जो हमने लिया है। इसमें लिखा है पी सेफ, मतलब अगर यूरिन वगैरह भी निकल जाए ना पैड के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, लीक नहीं होगा। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आपका काम का होगा, आपको भी थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि इंडिया से आप क्या क्या मंगवा सकते हो। सो अभी वीडियो खत्म करते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और डेली व्लॉग्स नहीं आ रहा है उसके लिए मैं फिर से कह रही हूँ सॉरी गाइस, क्योंकि अच्छी मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ उतना, तो इसीलिए एक बार बच्चा आ जाए सब कुछ थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए मेरा और ऊपर रिकवर हो जाए उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन बीच बीच में हमारा वीडियो जरूर आता रहेगा, डेली ब्लॉग्स तो नहीं आ रहे लेकिन बीच बीच में हम कुछ ना कुछ जरूर पोस्ट करेंगे। सो गाइस बाय।